देख सकते हैं चुकंदर का पेड़ है और ये है मटर का पेड़। ये फाइनली चुकंदर मटर मिला मिला के लगा हुआ, जैसा जो समझ में आया लगा दिएगा। उधर गोभी है, उधर उधर साइड फाइनली। उसके बाद अब चलते हैं घर की तरफ और इसे मिलाना है सत्तू में, बैंगन के भरते में। चलिए देखते हैं इसका स्मेल। टू गुड करना बहुत पसंद है। तो दो टमाटर, दो तुलसी, एक फूल का पेड़, एक उसका पता नहीं क्या है, एक मनी प्लांट लगाई हूँ, पता नहीं ये लगेगा कि नहीं। मनी प्लांट चोरी करके लगाई हूँ ऑनेस्टली। तो चल दी हूँ मैं। ये देखिए मेरे घर में खुश नाराज सब होने का रीजन बस वही है, एक बच्चा। चुनमुन चुनमुन चुनमुन, सी दिस चाइल्ड। तो ये सब देख सकते हैं टमाटर कितने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। जब इसमें टमाटर होगा तो इसको तोड़ूंगी जरूर, दिखाऊंगी आप लोगों को जरूर, मुझे बहुत पसंद है। ओहो हो, ये है धनिया पत्ता जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, बट मजबूरी है, फ्रेश धनिया पत्ता चाहिए, तो इसे मैं तोड़ूंगी जरूर। तोड़ो जल्दी, चलिए इसमें और भी आएंगे, एक दो बार और काट के खाएंगे ना। इसे छोटा छोटा कट करना, मेरी बहन कट कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं नहीं कट कर सकती हूँ। देख सकते हैं धनिया गजब का स्मेल, इतना मस्त आ रहा आपको मैं बता सकती हूँ, बता नहीं सकती। मैं एक फ़ोटो जल्दी से इसका ले लेती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ अपने रूम। सबसे पहले गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ऑल ओवर हमको लगता है 1 साल से ऊपर हो चुका है जो मेरे कोई सब्सक्राइबर या किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा बनाइए। तो ऑनेस्टली मैं अभी तक नहीं बना पाई थी क्योंकि वो ठंड में ही बनता है, गर्मी में आप उसे नहीं बना सकते हैं। क्यों, इसका रीजन मैं आगे बताऊँगी। और साथ ही साथ बहुत मेहनत लगता है ऑनेस्टली। मेरे घर में बस मैं 3 ही लोग रहती हूँ, मैं, मेरी छोटी सिस्टर और मेरी मम्मी, और भी बाकी फैमिली कहाँ कहाँ रहते हैं वो आगे वीडियो में बताएंगे। तो फाइनली हमको अभी लग रहा है कि हम 10 दिन से ऊपर हो चुका है प्लानिंग करते 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 करते, आज फाइनली उस जगह पे आए हैं कि आज मैं सोची हूँ बनाने का। मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले सो के उठी हूँ और फ्रेश हुई हूँ, और देन उसके प्रिपरेशन में लग गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। तो मम्मी से पूछ के उसे कैसे क्या करना है उनको हेल्प कर देती हूँ, और देन आगे कैसे कैसे क्या क्या बनेगा आप लोग वीडियो के साथ बने रहे और देखिए कैसे कैसे बनता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो उसको भी मैं ट्रिक बताऊँगी कि कैसे बनाना। ये सेम टेस्ट तो नहीं मिलेगा बट सेटिस्फैक्शन के लिए वैसे बना के खा सकते हैं, और ऑनेस्टली बहुत मेहनत लगता है। तो देखिए उसमें आगे आगे कैसे कैसे क्या करना है, आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। और आप लोग को भी बनाना है तो अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आप लोग बिहार के हैं, ऑल ओवर बेगूसराय के, अगर आप लोग बनाते हैं बना के खाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह जो ट्राई तरीका है और आप लोग का तरीका में क्या क्या अंतर है। और ऑनेस्टली बैगन का जो चोखा बनता है जिसे भरता हम लोग बोलते हैं, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बहुत जगह बनाए जाते हैं, बट ऑनेस्टली जो बिहार में बनाया जाता है बैगन का भरता और बैगन का चोखा जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका टेस्ट गजब लाजवाब उसका टेस्ट होता है, मुझे बहुत पसंद है। और स्मेल के मौसम में मैं स्टॉल ली हूँ, मैं घर में स्वेटर पहन के नहीं रहती हूँ, तो बहुत ही बहुत 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 बेहतरीन लगता है। तो चलिए वीडियो के साथ आगे कंटिन्यू बने रहिए, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी होता है, कैसे 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 क्या क्या बनता है, एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना राय डालना बिल्कुल ना भूले कि कैसा लगा हम लोग का यह छोटा सा प्रयास। और जो भी हमें कमेंट किए थे बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा बनाने के लिए, आई एम सॉरी, बहुत बहुत सॉरी कि मैं बहुत लेट यह वीडियो लेके आई हूँ, बट ऑनेस्टली कि जितने भी कमेंट में वीडियो आए थे कि आप इस पे बनाइए उस पे बनाइए, मैं एक एक पे वीडियो बनाऊँगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। आप लोग जो बोलिएगा उसे मानना एज ये कह सकते हैं, सॉरी मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, ये कह सकते हैं अजय हुकुम, जैसे हम लोग के घर में बोला जाता है कि ऐसे ये करो ऐसे वो करो, तो हम लोग भी उसे मानते हैं। तो देन आप लोग जो बोलिएगा मैं उसे फॉलो करूँगी, इसलिए मैं हमेशा को मैं लास्ट में ज़रूर पूछती हूँ कि आप लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट टाइम मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो के साथ बने रहें, कोशिश करूँगी कि बेहतर से बेहतर आज वीडियो बनाने का। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट।
एग्जैक्टली ये सत्तू है और ये मेरे घर का बना हुआ सत्तू है। तो अगर आप लोग को भी अगर सत्तू ये यूज़ करना है तो अगर घर का है तो ठीक है, नहीं तो आसपास में भी जो मिलता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे घर में बना हुआ सत्तू है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो फाइनली इसमें अभी प्याज, ये लहसुन, अदरक, मिर्ची और भी बहुत सारे सामान जाएंगे। तो जैसे जैसे जो भी सामान इसमें मिलेगा मैं सारा सामान आपको बताते जाऊँ। सत्तू में और जिसमें हम लोग बैंगन का चोखा बनाते हैं भरता, उसमें ये सब मिलाया जाता। तो ये सब आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर एक बार कट करके रख लेते हैं तो बेहतर होता है। जैसे ये प्याज है, बहुत ही फाइनली एकदम छोटा छोटा चॉप करके रखना है। ये अदरक है, और भी अदरक है, और भी मेरे किचन में कट रहा है। ये लहसुन है, ये मिर्ची है और धनिया पत्ता। और फाइनली अब इसको मिक्स करने का टाइम आ चुका है। इसमें सबसे पहले अभी जा रहा है जमाइन और मंगरेला। तो आप इसमें कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं, बट उसको बस मिक्स करना अच्छे से। अब इसमें एक सामान धीरे धीरे जाएगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब इसमें फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन, जिसे हम लोग प्याज भी बोलते हैं, वो जा रहा है। उसके बाद यह लहसुन, उसके बाद यह मिर्ची। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग डालिएगा कि अगर आपको तीखा ज़्यादा रखना है तो मिर्ची ज़्यादा डालिएगा, लेकिन हाँ ये ध्यान से कि फाइनली बहुत छोटा छोटा एकदम चॉप किया हुआ अदरक इसमें जा रहा है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट जाएगा, तो जो भी आप लोग को थोड़ा सा हल्का सॉल्ट ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि यह आटे के अंदर फिल किया हुआ रहता है, तो इसी वजह से। नहीं तो थोड़ा सा अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा तो वो थोड़ा सा कम लगेगा आपको खाने में, इसलिए जितना भी मतलब सॉल्ट आपको रखना है तो उसे हल्का ज़्यादा डालिएगा। तो इसमें गया अब ये, अब फाइनली जाएगा इसमें 2 लेमन, क्योंकि सत्तू का क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आप लोग अगर कम देते हैं तो उसमें लेमन कम डालिएगा। और फाइनली इसमें जाएगा अब सरसों का तेल। एकदम इसमें सरसों का तेल ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप लोग सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो जो भी आप लोग तेल यूज़ करते हैं वो उसमें डालिएगा। सरसों का तेल फाइनली गया है, इसमें हल्का एकदम फाइनली इसे मिक्स करना है। और बहुत जगह आप लोग सत्तू वाला खाते होंगे तो उसमें थोड़ा सा भड़बड़ा टाइप का रहता है, वो अच्छे से मिक्स नहीं रहता, तो हल्का इसमें पानी भी यूज़ कीजिएगा जो कि बहुत अच्छे से। फाइनली इसे अब मिक्स करना है। देन इसे मिक्स करने के बाद देखते हैं कि इसे इसमें कैसा मॉइस्चराइजर रहता है। तो इसे आप हाथ से या चम्मच से, जिस आपको लगे कि हाँ इसे इसे मिक्स करना है, तो देन आप उसे ऐसे मिक्स कर सकते हैं। आटा गुथा चुका है और आटा आपको ऐसे ही गुथना है जैसे अपने घर में सिर्फ रोटी के लिए आप बनाते हैं। ये मेरे घर के लिए नहीं है, 2-3 घर और जाएगा, इतना आटा हम लोग यूज़ नहीं करते। मेरे घर में ऑल ओवर 3 ही आदमी हैं। इसको ढक के अभी मैं रख देती हूँ। तो आटा आपको वैसे ही गुथना है जैसे घर में रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं। तो फाइनली ये सत्तू को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये मिक्स हो चुका है। इसको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा बनेगा तो मेरे आगे में है मेरी बहन, इसको मैं बोलती हूँ उसमें टेस्ट करिए। लो प्रसादी है। ये वो स्पेस है जहाँ पे अभी हमारे बिहार में बिहारी स्टाइल जो लिट्टी बनता है जो आग पे, वही बनने वाला है इस स्पेस में। और फाइनली मैं ये थोड़ा सा स्पेस दिखा देती हूँ। ये ऊपर गोइठा कुछ रखा हुआ है और ये मेरे घर के बाहर का कुछ स्पेस है, इसमें भी घर बनेगा बट अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। तो चलिए आप लोग आगे वीडियो के आगे जुड़े हुए रहिए और देखिए कैसे कैसे बनते हैं। आप वीडियो में मज़ा लीजिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा। यूँ उपले गोइठा जिसे बोलते हैं हम लोग, उसे लाने के लिए मेरे लिए आ जाओ ऊपर जाने के नाम पे ये बहुत ही फास्ट है। आ जाओ, चलो 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 चलो। तो ये है मेरा न्यू वाला घर, इसका मैं टूर कभी और दूंगी, अभी नहीं। तो ये है सारे उपले और गोइठा रखा हुआ, क्योंकि नीचे था बट इसे हम लोग सूखने दिए थे, क्योंकि ठंड का मौसम है, थोड़ा भी अगर सूख जाता है तो वो अच्छे से जलेगा। तो चलिए ये सारे को लेके अभी चलते हैं नीचे, और इस होम का टूर जल्दी ही आएगा, क्योंकि इसमें मेरा बनेगा स्टूडियो पीछे साइड। तो फाइनली ये आ चुका है नीचे। अब मैं इसको निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा काम होते जाएगा उतना हल्का होते जाएगा। और यहाँ लगेगा भट्टी, जिसे हम लोग वो भट्टी नहीं लगेगा जिसमें ईटा उटा पकता है, वो नहीं, जिसमें लिट्टी बनेगा वो लगेगा भट्टी। और वो मुझे नहीं लगाने आता ऑनेस्टली, मैं मम्मी को बोलूँगी उन्हें आता लगाने के लिए, और मम्मी से भी ज़्यादा मेरे पापा को आता लगाने के लिए। तो कभी अगर मेरे पापा बनाएंगे ना तो उनका ज़रूर मैं वीडियो शूट करूँ, क्योंकि ऑनेस्टली उनके हाथ में जो टेस्ट होता है ना वो नहीं मिलने वाला है किसी के हाथ में। चलिए इसे निकालते हैं फाइनली एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे काम है ऑल ओवर। टाइम 10:30 हो रहा है, मुझे फ्रेश होना है, पूजा भी करना है, बट अभी थोड़ा सा काम करने के बाद। तो इसे एक एक करके निकाल के यहाँ रख देते हैं, जितना ज़्यादा काम हो जाए उतना हल्का है। ये एकदम सूख चुका है, थोड़ा सा इसे धूप लगाना ज़रूरी था।
अगर ये आपके पास नहीं है, इतने सारे अवेलेबल नहीं है ये सारे चीज़, तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगी कैसे बना सकते हैं। फाइनली काम आसान करने के लिए इसे पलट दो, काम हो गया आसान, सब निकल गया। इतने सारे हैं और भी अगर लगेंगे तो ऊपर तो हैं इतने सारे, इसमें बनेंगे। नहीं ये फिल हो रहा है तो मुझे नहीं आता फिल करने के लिए, ये इस तरीके से आपको इसमें जो भी शेप देना है इस तरीके से शेप देना, इस तरीके से, हालांकि इस तरीके का ही शेप बनता है ये छोटा छोटा। तो ये देखिए ये कैसे फिल होता है, मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ, देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठंड का मौसम पता है आपको, इसीलिए रजाई के अंदर ही काम हो रहा है। ये ऐसे बनाया जाता है, बहुत ऐसी होगी लेडीज या बहुत ऐसे घर के होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिन्हें आइडिया होगा कैसे फिल किया जाता है, मुझे नहीं आइडिया है बिल्कुल भी और नहीं होता ये मुझसे। ये ऐसे इस तरीके से इसको दबाना है, फिर इस तरीके से इसको गोल गोल करके फिल करते घुमाते जाना है। चलिए एक मैं भी सोचती हूँ, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। ऊपर वाला जो भी पार्ट है उसे निकाल देना, तो हो गया। चलिए एक मैं ट्राई करती हूँ। तो फाइनली इसको फिल करने का तैयारी, ऐसे ऐसे गोल गोल मैं भी इसे करती हूँ और देखती हूँ कैसे बनता है। ऐसे गोल 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 हो चुका है, इसको अच्छे से सबसे को दबाना है। दाब देना ताकि ये अंदर की ओर चले जाए और इसे इस तरीके से बड़े गोल गोल देख सकते हैं मेरा बनाया फल नम नम बन चुका है। फाइनली मेरा ये लिट्टी तैयार, सूप और इसमें यह डाला गया है पेपर, पेपर के ऊपर यह एक 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 फिल करके इसमें रखा जा रहा है और सारा फिल करके इसमें रखा जाएगा क्योंकि आग बनने के बाद एक ही बार इसमें पड़ता है। अदरक है जो कि बच गया था इसलिए मैं डाल दी, नहीं तो नहीं डाल दी। ये लहसुन, ये प्याज और ये धनिया पत्ता और इसमें बहुत सारे सामान पड़ेंगे, ये मैं थोड़ी देर में। फाइनली ये उपले और गोइठा जिसे हम लोग बोलते हैं इसे तोड़ तोड़ के इस तरीके से लगाते जाना। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, अगर आप लोग को भी बनाने का मन हो तो ये बहुत मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही है जो कि मुझे नहीं आता, मैं भी आज सीख लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ, देखते हैं आप लोग का जैसा कमेंट आएगा।
इसे पूरा पूरा गोईठा कभी नहीं देना, इसे तोड़ तोड़ के देना पूरा गोईठा। हम लोग में बोला जाता है कि मरने के बाद यूज होता है, तो इसीलिए थोड़ा भी इसे, जैसे इसका कोना तोड़ा गया है, इस तरीके से तोड़ दीजिए। तो फाइनली इसे करना है रेडी जल्दी से। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह, जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा इसे लगाइए। या जैसे हम लोग का ये होता है, कोई बर्तन है जिसे हम लोग तगाड़ कठौती इस टाइप से बोलते हैं, तो वो सब भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। हटो यहाँ से, तुम देख सकते हैं। तो मेरे पास ये आ चुकी है, इसको भी घर में अकेले मन नहीं लगता है। चुनमुन चुनमुन इसका नाम है। ये भी आज खाएगी लिट्टी। क्या खाएगी? विटामिन लिट्टी खाएगी, लिट्टी। उसके बाद साइड से इसे इस तरीके से घेरना है। गोली गोली फिर इस तरीके से घेरते हुए चलना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरा पूरा गोईठा कभी इसे यूज नहीं कीजिएगा, इसे हल्का सा तोड़ दीजिएगा। चलो तो थोड़ा सा हम भी काम करते हैं। चुनमुन उधर जाओ, अभी काम है, यहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए इसे चारों बगल से घेर दें इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं इस बच्चे को, इस बच्चे को कोई देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं कितनी शरारती है ये बच्ची, कितनी शरारती है ये बच्ची। कैप लगा लो, कैप, ठंडा बहुत है। इस तरीके से तोड़ तोड़ के बीच में डालना है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताई, जस्ट लाइक भट्टी, जैसे भट्टी बनता है उसी तरीके से इसे भी बनाया जाता है। आ जाओ तुम ऊपर। पेपर, सॉरी, कार्टून डाल के, पेपर डाल के या कपूर डाल के आप लोग इसे जला सकते हैं इसकी सहायता से। बट हाँ, इसको थोड़ा सा अगर धूप में डाल दीजिएगा तो देन आपको बहुत ज़्यादा मतलब जलने में बहुत ज़्यादा यह मदद देगा। तो चलिए इसे जल्दी से लगाते हैं इसमें आग। तो इस तरीके से कार्टून से आप कवर करके या पेपर कुछ भी दे के आप इसे किसी की भी सहायता से इसे आप जला सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको इसमें डाल दीजिए, इसे ढक दीजिए अच्छे से। ओह, ठंड के मौसम में यहाँ बैठने का मजा ही कुछ और है। तो इसे इस तरीके से अब ढक के इसे कुछ देर छोड़ दीजिए ये आग बनने के लिए। और आग बनने के बाद इस पे बनेगा, अभी सबसे पहले पकेगा क्या वो देखिए वीडियो गया। चलिए, ये आग बन के हो चुका है रेडी, और इसमें डाल रही हूँ मैं बैंगन। और बैंगन आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कट करना है, कट करके इसमें देखना है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। और इसमें डालना है लहसुन, तो देख सकते हैं बैंगन को इस तरीके से। इसीलिए मैं लहसुन नहीं डाल रही थी, क्योंकि बैंगन में इस तरीके से हम लोग लहसुन डाल के इसे पकाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें लहसुन डालना है, मिर्ची डालना है। मिर्ची भी इसीलिए मैं उसमें कट करके नहीं दी थी, क्योंकि इसी तरीके से मिर्ची डालना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। इतने सारे बैंगन है, आप इसमें भट्टा बैंगन भी ले सकते हैं। तो मुझे वो फ्रेश भट्टा बैंगन मार्केट में नहीं दिखा था, जिस वजह से मैं ये वाला बैंगन ली थी, लेकिन टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं रहता, सेम टेस्ट दोनों में रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बैंगन को डालना है आग में, और इसे घुमा घुमा के पकाना। कैसे पकाना है मैं आपको आगे बताती हूँ। आग जब इस तरीके से एकदम शांत हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, तब डालना, नहीं तो बैंगन जलने का डर। आग के पास बैठने का सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट उसका धुआं होता है, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैंगन मेरा पक चुका है, जो कि मैं उसे घुमा घुमा के खुद पका, जस्ट सी, ये सारा बैंगन पक चुका है, इसको मैं साइड कर दी हूँ। यहाँ पे दो और इसमें आलू डाली हूँ, जो कि आलू को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये है टमाटर, बैंगन, कुछ बैंगन में लहसुन, कुछ बैंगन में मिर्ची डाल के मैं उसमें ऐसे से आप घुमा घुमा के देखते रहिए वो पका है कि नहीं।
है, पहले ही मैं बता ही थी बहुत मेहनत लगता है, मेहनत नहीं करना है तो इसे नहीं बनाना, इसी वजह से तो मुझे 1 साल लग गए पूरे बनाने में। इस तरीके से बैगन को है आप घुमाते रहिए। चलिए यहाँ पे और बैगन डाल दीजिए, यहाँ पे ये खाली हो चुका सबसे, ये थोड़ा सा और पकेगा हमको ऐसा लग रहा है, समझे। सारा पक चुका है, उस आग को इस तरीके से फैला लिया गया है आप लोग देख सकते हैं, और देखने के बाद और जितना भी वो लिट्टी भरा गया था एक एक करके यहाँ पे लगाया जाएगा इस तरीके से, जैसे आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उसे अच्छे से वह जो आग जो बना था उसे ढक देना है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा धुआं कंडीशन देख सकते हैं, इस तरीके से चारों बगल इसे अच्छे से ढक देना है ताकि वो अंदर में अच्छे से पक सके। आप देख सकते हैं किसी को आग का सुविधा नहीं है उतना उनसे नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से इस टाइप का जो स्टेन आता है उसमें आप गैस पे भी इस तरीके से पका के बना के खा सकते हैं। इस तरीके से फैला के चेक करते रहना है आपको पलट पलट के कि मतलब उसमें पका है कि नहीं पका है। पकने का बस एक ही चीज़ निशान है, जैसे आप लोग देख सकते हैं एक दो मैं साइड की हूँ, पकने का बस एक ही निशान है कि ये इस तरीके से फट जाना चाहिए। जो फट गया मीन्स समझिए वो फट पक चुका है, जैसे वो भी देख सकते हैं एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये सब जो है फट चुका है, तो ये सब सीज चुका है अच्छे से। तो इस तरीके से पलट पलट के आपको चेक करते रहना है, बहुत मेहनत लगता है। और बैगन की चोखे की तैयारी हो रही है, तो जिसमें आप लोग देख सकते हैं बैगन और इसमें लहसुन जो भी था टमाटर सबको छील के अच्छे से चेक करके इसमें डाला जाएगा। उसके बाद इसे अच्छे से सब कुछ डाल के नमक और सरसों तेल डाल के इसे मिक्स किया जाता है। तो इसे अच्छे से पहले छीला जा रहा है, उसके बाद बारीकी से देखा जाएगा, उसके बाद इसे मिलाया जाएगा। देख सकते हैं ये सारा लिट्टी जो है यह पक चुका है अच्छे तरीके से, और पकने का बस एक ही प्रूफ है कि यह फट जाए। पहले मैं इसको अच्छे से पेपर में साफ करूंगी, देन उसके बाद इस बर्तन में मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इस तरीके से आप भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, उसके बाद इसमें साफ करूंगी। इसको अच्छे से साफ करने के बाद देन इसमें डालना है, इसको इस तरीके से कपड़े में डालने के बाद कोई भी फटा पुराना आप कपड़ा ले सकते हो, उसको अच्छे से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके साफ करना ताकि जितना भी इसमें गंदा है वो अच्छे से साफ हो जाए। यह घी जिसे अभी मेल्ट करना है, और यह सुधा का घी है, घर का घी नहीं है, तो यह जो आग है इसी में डाल दीजिए, यह थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। चोखा बन के हो चुका है रेडी, और इसमें सब कुछ ऊपर से सो करना है, इसमें बस लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और सरसों का तेल डालना है और कुछ भी नहीं, और उसे अच्छे से मिक्स कर देना। देन ये हो चुका है मिक्स, अब चलते हैं लिट्टी की तरफ, और लिट्टी का है बाड़ी। घी में इस तरीके से अच्छे से डुबाना जो कि लास्ट प्रोसेस होता है, देन उसके बाद ये लग गया है मेरा प्लेट, और आप सबका भी, और भी एक दो जितना आपको खाना है गरम गरम लिट्टी, इसको घी में डालिए। सबको मिक्स नहीं कीजिएगा एक बार, पहले हम लोग सबको एक बार मिक्स कर लेते थे, ठंडा का समय है और वो जाता है जो, ये आप देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का अभी प्लेट लगा है, इसमें आप लोग अचार या टमाटर का चटनी या धनिया पत्ता का चटनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग का इतना ही बनाते बनाते हालत ख़राब हो चुका है, और इसे सबसे पहले टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। तो ये है लिट्टी जो कि प्रूफ है इसका कि ये फट चुका है, तो मतलब ये पक चुका है। और ये चोखा, ये फर्स्ट बाइट आप सभी के लिए, और सबसे स्पेशली उनके लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था और इतना देर वेट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। चलिए मिलते हैं इसी तरीके किसी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए टिल देन, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।